गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर ज्योग्राफी टीचर प्रीति चौधरी। आप लोग अभी क्लास 5 से जस्ट पास आउट करके क्लास 6 में आए हैं। अब तक आपने SST पढ़ी होगी, SST की एक ही बुक होगी अब तक। अब आपके SST की सोशल साइंस की 3 बुक्स होंगी, 3 बुक्स यानी 3 पार्ट। उसमें आपने हिस्ट्री पढ़नी है, सिविक्स पढ़ना है और ज्योग्राफी पढ़ना है। ये आपकी SST की बुक है और इसके 3 पार्ट हैं। ये देखिए, आपने इसका कंटेंट देख लेना है। ये आपका कंटेंट है, ये फर्स्ट वर्ड जो है ये हिस्ट्री है और सेकंड आवर हैबिटेट में आपने ज्योग्राफी पढ़ना है। देखिए, इसका आपका पहला चैप्टर चैप्टर 15 जो है वो द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो आपका ये सेपरेट पार्ट है जिसमें आप जिसके लिए आपने सेपरेट कॉपी लगानी है, प्रैक्टिकल कॉपी होगी जिसमें आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ना है। तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर यानी चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आ जाइए फर्स्ट चैप्टर में। आपका आप जब स्काई में देखते होंगे तो अपने यूनिवर्स को जानने की क्यूरियोसिटी होती होगी कि हमारे यूनिवर्स में क्या है, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, सन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि यूनिवर्स है क्या। यूनिवर्स क्या है? आप जो भी चीज़, जितने भी एग्जिस्टिंग मैटर हैं जहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, वो सब क्या है? यूनिवर्स। यानी यूनिवर्स में सारे ऑल द मैटर दैट आर एग्जिस्ट प्लस स्पेस, मतलब स्पेस में गया है। तो स्पेस अपने नाम के जैसा ही है, स्पेस मतलब स्पेस, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, प्लैनेट्स हैं। इसके अलावा इतनी सारी चीज़ों के ह्यूज बॉडीज होने के बाद भी बहुत सारा स्पेस है, यानी एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है। इसीलिए यूनिवर्स को स्पेस भी कहते हैं, क्योंकि बहुत स्पेस है। तो यूनिवर्स क्या है? द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग मैटर एंड द स्पेस इटसेल्फ इज नोन एज यूनिवर्स। ठीक है, मतलब है ऑन ए क्लाउडलेस नाइट वी आर सी काउंटलेस ट्विंकल ऑब्जेक्ट इन द स्काई। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड स्टार्स। आपने स्टार्स देखते होंगे, द सन, द मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर शाइनिंग इन द नाइट स्काई। रात में चमकने वाले जो भी चीज देखते हैं वो सब कहाँ है? यूनिवर्स में। तो ये हमारा यूनिवर्स है। सेकेंड हम पढ़ेंगे सेलेस्टियल बॉडीज। क्या है सेलेस्टियल बॉडीज? ये देखिए फिगर है आपका यूनिवर्स का। ये सारा यूनिवर्स है जितना ब्लैक ब्लैक, और ये है, ये गैलेक्सी दिखाई गई है। गैलेक्सीज में मिलियन ऑफ स्टार्स दिखाए गए हैं। ये दूसरा पिक्चर देखिए, स्टार्स का पिक्चर आई है। तो हमने पढ़ना है कि आसमान में, स्काई में जो भी चीज़ दिखाई देती है, आँखों से तो नहीं दिखती है, लेकिन हम जब टेलीस्कोप लगाते हैं और जो भी मैटर प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या है हम देखते हैं। पहले है यूनिवर्स क्या है। द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग मैटर एंड द स्पेस इटसेल्फ। सेकेंड है सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट सच एज प्लैनेट्स, स्टार्स, सैटेलाइट, गैलेक्सीज आर कॉल सेलेस्टियल बॉडी। आसमान में दिखाई देने वाला, आसमान में, स्काई में प्रेजेंट जो भी चीज़ है वो सब सेलेस्टियल बॉडी है ना। मेट्रोइड्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, ये सब क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज हैं। तो आपने नोट कर लेना है, ऑब्जेक्ट सच एज प्लैनेट, स्टार, सैटेलाइट, गैलेक्सीज आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। स्टार्स तो आप जानते होंगे, प्लैनेट्स भी जानते हैं, है ना। गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी यानी मिलियंस ऑफ स्टार्स, जिस ऐसी चीज, जगह, चीज जहां पर क्या प्रेजेंट हो, मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, कई सारे प्लैनेट्स हैं, गैसेस हैं और साथ में डस्ट, और वो सब इकट्ठे हैं, एक साथ हैं। किसके थ्रू? बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अ गैलेक्सी इज अ ग्रुप ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, गैस, डस्ट एक्सेट्रा, हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी।
ग्रेविटी के कारण एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे के साथ इकट्ठे हैं, तो उसको बोलेंगे हम गैलेक्सी। हमारे यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, एक नहीं कई सारी हैं, और बहुत ह्यूज है। उस गैलेक्सीज में कई सारे स्टार्स हैं, जैसे आसमान में आपको स्टार्स दिखाई देते हैं, वैसे कई सारे स्टार्स हैं। एक एक गैलेक्सी में कई स्टार्स हैं, उसके अपने प्लैनेट्स हैं, और भी कई सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ऐसी कई गैलेक्सीज है यूनिवर्स में। उसके बाद भी इतना बड़ी ह्यूज गैलेक्सीज, कई बिलियंस ऑफ गैलेक्सी होने के बाद भी हमारे यूनिवर्स में बहुत सारा स्पेस है। तो सोच लो कि हमारा यूनिवर्स जो है वो एंडलेस है। सब गैलेक्सी के अपने अपने शेप्स होते हैं, कोई स्पाइरल फॉर्म में होता है, कोई जो होता है एलिप्टिकल होता है, कोई ओवल होता है, कोई सर्कुलर शेप में होता है। तो सब गैलेक्सी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती है, अलग अलग शेप्स की होती है। हमारा जो सोलर सिस्टम आप पढ़ते होंगे, वो सोलर सिस्टम जो है मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। यानी मिल्की वे एक स्पाइरल शेप का, ऐसे स्पाइरल शेप का गैलेक्सी है, और उसके एज पर, एक किनारे पर हमारा सोलर सिस्टम प्रेजेंट है। तो सोलर सिस्टम जो है हमारा, अर्थ और एट प्लैनेट्स आर द पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, और मिल्की वे गैलेक्सी के जस्ट जो नेबर है वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ऐसी मैंने बोला बिलियंस गैलेक्सीज है हमारे यूनिवर्स में, तो समझ गए। गैलेक्सी इज अ ग्रुप ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, गैस और डस्ट दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। स्टार्स क्या है? स्टार्स भी एक सेलेस्टियल बॉडी है। स्टार्स आर ग्लोइंग बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। आसमान में इतनी दूर है हमारे स्टार्स, उसके बाद भी चमकते हुए दिखाई देते हैं ना, तो वो क्या है, क्यों चमक रहे हैं? क्योंकि वो बर्निंग गैसेस हैं, जलते हुए आग का गोला है ये सारे, जो किससे बने हैं? मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं, और इस कारण से इनकी अपनी ऑन लाइट है। एक स्टार्स ही ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जिसके अपनी, जिनकी ऑन ऑन लाइट होती है और हीट होता है। पर स्टार्स जो होते हैं वो हीट नहीं देते, एक्सेप्ट द सन। क्यों? क्योंकि वो दे आर वेरी फार फ्रॉम द अस, हमसे बहुत दूर हैं, इस कारण से हमें हीट नहीं देते और लाइट नहीं देते। सिर्फ सन ही है जो हमारा क्लोजेस्ट स्टार है, दैट्स वाई इट गिव्स हीट एंड लाइट टू अस। नेक्स्ट अ कॉन्स्टिलेशन। तो कॉन्स्टिलेशन आर द कलेक्शन ऑफ स्टार फॉर्मिंग सर्टन शेप इन द स्काई। कई तारों का समूह, कलेक्शन ऑफ स्टार, जो कोई एक खास तरह का पैटर्न बनाते हो, कोई एक डिजाइन बनाते हो। आसमान में जब देखते हैं तो कुछ एक पैटर्न बना रहे होते हैं, कोई एक डिजाइन बना रहे होते हैं, उसको कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है उर्सा मेजर, और उर्सा मेजर का ही पार्ट है सेवन स्टार, एक चम्मच के शेप का दिखाई देता है ये सेवन स्टार। उर्सा मेजर बिग बियर है, भालू के शेप का दिखाई देता है। तो ऐसे कई स्टार हैं जो हमारे जो हैं साइंटिस्ट ने खोजे हैं, तो इनको कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। अब तक जो है 88 कॉन्स्टिलेशन सर्च किए हैं हमारे एस्ट्रोनॉट्स ने, जिनको जो किसी जो एक ग्रुप ऑफ पैटर्न में रहते हैं, और एक एक खास तरह की कोई पैटर्न बनाते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं जो किसी खास तरह का पैटर्न बनाते हैं, इनको कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। तो ये आपने नोट कर लेना है, इसमें यूनिवर्स नोट करना है, फिर है सेलेस्टियल बॉडीज, देन गैलेक्सी, एंड देन स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशन। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा सोलर सिस्टम। थैंक यू।